स्टार कंप्यूटर वाले भाई जो है पूर्णिया से आए हुए हैं, आपको लैपटॉप जो है गिफ्ट किया है, इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा और लैपटॉप देने का। हम तो सोचते थे कि जैसे कोई एग्जाम में फर्स्ट करता है तो उनको ही लैपटॉप मिलता है, लेकिन आज लग रहा है कि पेंटिंग से भी हम भी कुछ कर पाते हैं और सभी को प्रेरणा भी मिलेगा कि मतलब पढ़ाई से ही नहीं और भी कुछ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई मतलब सुसाइड कर लेते हैं, पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है, तो आप उसको छोड़ के और भी अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ते जाइए। सभी से देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जाए उसके लिए हम लोग वरीय पदाधिकारियों से संपर्क करेंगे। और सर स्टार कंप्यूटर जो कि ये पूर्णिया से आए हुए हैं, इन्होंने लैपटॉप देकर इनको जो है सम्मानित करने का काम किया आप लोगों के समक्ष, क्या कहें? मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिर्फ इन्हीं कलाकार को नहीं, आप दूसरे आर्टिस्ट को भी ढूंढिए, उनको भी आप सम्मानित करिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही कहना चाहते हैं। क्या लगता है जो स्टार कंप्यूटर वाले हैं जिनके अंदर अपार प्रतिभा है, गुण है, उनको कहीं ना कहीं ये लोग सम्मानित करते हैं, ये अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों को क्या कहेंगे आप इनके लिए? इनके लिए कहेंगे कि आप लोग इनके पास ही जाए और लैपटॉप भी ले और आप लोग कुछ ऐसा काम करें कि आपको भी इस तरह का लैपटॉप मिले जो इन्होंने अपने तरफ से गिफ्ट में दिया है, फ्री में दिया है, कोई पैसा नहीं लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा सम्मान कर रही हूँ कि इस काबिल समझाए। आप अजीत जी हैं मेरे साथ में, स्टार कंप्यूटर के जो है मालिक हैं, ओनर हैं, क्या आपको मन में आया आपने जो है इनको? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के अंदर भी वैसा कुछ है तो बाहर दिखाइए ताकि हम लोगों का आप लोगों तक पहुँचने का मौका मिले। अभी मैं सुंदरनाथ धाम में हूँ दोस्तों। आपको जो तस्वीर दिख रही है वो यह है कि जो प्रज्ञा जो है जिन्होंने भगवान शिव जी का 2100 स्क्वायर फीट में एक चित्रकारी किया था, इसी पेंटिंग को 2100 स्क्वायर फीट में बनाया था, आज स्टार कंप्यूटर पूर्णिया के द्वारा सुंदरनाथ धाम में, ये देखिए कि बैनर तले प्रज्ञा को जो है कहीं ना कहीं एक लैपटॉप गिफ्ट किया गया है दोस्तों। अभी डीएसपी साहब हैं, तमाम लोग हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, तमाम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं प्रज्ञा को लैपटॉप से और सुंदरी न्यास समिति के जो कमेटी के हमारे सदस्यगण भी हैं, मुखिया जी हैं, इधर देख सकते हैं चाचा को, तमाम लोगों की उपस्थिति में प्रज्ञा को कहीं ना कहीं स्टार कंप्यूटर पूर्णिया के द्वारा सम्मानित किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भगवान भोलेनाथ का 2100 स्क्वायर फीट में उन्होंने जबरदस्त चित्रकारी किया है दोस्तों। आपको बता दूं कि जब उसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं देख सकते हैं, आपको ड्रोन के माध्यम से देखने की आवश्यकता होगी, ऐसे आपको सिर्फ हाथ ही हाथ नजर आएगा दोस्तों। बाकी देखिए कि तमाम लोग हैं, मैं बात करूंगा, मुखिया जी हैं, प्रज्ञा को सिर्फ इसलिए सम्मानित किया गया कि उन्होंने बाबा भोलेनाथ का 2100 स्क्वायर फीट में चित्रकारी किया था। देखिए ये सब बेटी पर पूरे भारत को गर्व है और ये हमारे समाज की हमारे अपनी भतीजी है, बहुत गर्व होता हम लोगों को कि हम लोगों के घर का बच्चा इतने अच्छी कलाकृति को बनाने के लिए जानती है। और बाबा सुंदरनाथ से कहते हैं कि इसको इतनी शक्ति और दीजिए कि इससे भी बड़ी से बड़ी कलाकारी करके दिखाए। चलिए मुखिया जी थे मेरे साथ और डीएसपी सर सर भी हैं। सर इनके पहले काम को दिखाइए। अच्छा उसके बारे में आप जनता को बताइए। 2100 स्क्वायर फीट में सर इन्होंने कलाकारी किया है भगवान भोलेनाथ का, क्या कहेंगे सर? हाँ, इनको बहुत बहुत बधाई, हमें देखकर बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके दूसरे भी कार्ड हैं वो भी मैं देख रहा हूँ और हमारी ये वो रहेगी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जाए उसके लिए हम लोग वरीय पदाधिकारियों से संपर्क करेंगे। और सर स्टार कंप्यूटर जो कि ये पूर्णिया
कोलकाता से आए हुए हैं, इन्होंने लैपटॉप देकर इनको जो है सम्मानित करने का काम किया आप लोगों के समक्ष, क्या कहें? मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सिर्फ इन्हीं कलाकार को नहीं, आप दूसरे आर्टिस्ट को भी ढूंढिए, उनको भी आप सम्मानित करिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी बात सर ने जो कुछ कहा, आइए हम थोड़ा सा प्रज्ञा से बात करते हैं, आइए। कैसा लगा आपको, आपने जो काम किया, जो मेहनत किया, आज आपको डीएसपी सर और तमाम लोग, न्यास समिति के सदस्यगण हैं, तमाम वरिष्ठ अतिथि लोग हैं, सबके समक्ष आपको सम्मान किया गया स्टार कंप्यूटर के बैनर तले, कैसा लग रहा है? आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं सबको हृदय से नमन करना चाहती हूँ कि सबने हमें इतना सम्मान दिया, इस मंच पे बुलाया, इस काबिल समझा। आप लोगों का, आप सभी दर्शकों का भी बहुत समर्थन रहा जो वायरल किया आप लोग, और मुझे जिसके कारण ये गिफ्ट भी मिला, ऐसे विधायक अंकल से भी प्राइज मिला था, तो सभी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही, इससे पहले नहीं कर पा रही थी कि मतलब लग रहा था कि कोई खास नहीं है, लेकिन सभी लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो लगता है कि हाँ कुछ किए हैं और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिल रहा है कि ये गिफ्ट मतलब गिफ्ट नहीं है मेरे लिए, ये आगे बढ़ने की चाबी है कि हम कम से कम इससे लगता है कि हम कुछ और आगे कर पाए और सबको गर्व महसूस करा पाए, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहिए। चलिए आपको दुआएं लग जाए, शुभकामनाएं लग जाए, भविष्य में आप जो है अनेकों प्रकार की उपलब्धियों को आप जो है कहीं ना कहीं उसको कामयाबी के तौर पर हासिल करें। स्टार कंप्यूटर वाले भाई जो है पूर्णिया से आए हुए हैं, आपको लैपटॉप जो है गिफ्ट किया है, इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा और लैपटॉप देने का। हम तो सोचते थे कि जैसे कोई एग्जाम में फर्स्ट करता है तो उनको ही लैपटॉप मिलता है, लेकिन आज लग रहा है कि पेंटिंग से भी हम भी कुछ कर पाते हैं और सभी को प्रेरणा भी मिलेगा कि मतलब पढ़ाई से ही नहीं और भी कुछ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई मतलब सुसाइड कर लेते हैं, पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है, तो आप उसको छोड़ के और भी अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ते जाइए, सभी से यही कहना चाहते हैं। क्या लगता है जो स्टार कंप्यूटर वाले हैं जिनके अंदर अपार प्रतिभा है, गुण है, उनको कहीं ना कहीं ये लोग सम्मानित करते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों को क्या कहेंगे आप इनके लिए? इनके लिए कहेंगे कि आप लोग इनके पास भी जाए और लैपटॉप भी ले और आप लोग कुछ ऐसा काम करें कि आपको भी इस तरह का लैपटॉप मिले जो इन्होंने अपने तरफ से गिफ्ट में दिया है, फ्री में दिया है, कोई पैसा नहीं लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा सम्मान कर रही हूँ कि इस काबिल समझाए। आप अजीत जी हैं मेरे साथ में, स्टार कंप्यूटर के जो है मालिक हैं, ओनर हैं, क्या आपको मन में आया आपने जो है इनको सम्मानित किया लैपटॉप से? जितने भी हमारे व्यूअर से देख रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा सलाम। देखिए जो इन बच्ची ने काम किया इस तरह का, हमको नहीं लगता है कि जो है ना इतने कम उम्र में इस तरह का काम करना जो है ना कोई इस तरह का काम कर सकते हैं, तो उन लोगों को हम लोगों ने देखते हुए ये काम किया कि ताकि जो है ना इनको एक हौसला मिले और ये अपने ज़िंदगी को एक अच्छा उड़ान दे सके, अपने कामयाबी को जो है ना आगे ले जा सके, तो ये सोचते हुए हम लोगों ने सोचा कि जो है एक लैपटॉप गिफ्ट किया जाए ताकि उनका हौसला अफजा हो। मतलब आपका बैनर भी लगा हुआ है पीछे और बैनर तले आपने सम्मानित किया है, वो भी सुंदरनाथ धाम में, जबकि डीएसपी सर भी थे, पुलिस के लोग थे, तमाम प्रज्ञा के खुद माता पिता थे, तमाम पत्रकार लोग थे, क्या कहेंगे अंतिम बात? अंतिम बात यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग भी लैपटॉप लेना चाह रहे हैं या फिर लैपटॉप लेने की जरूरत बंद है तो स्टार कंप्यूटर में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आपको मार्केट से कम प्राइस में मिलेगा और हम लोग चाहते भी है कि कम से कम में लोगों को लैपटॉप देने का काम कर रहे हैं। स्टार कंप्यूटर लैपटॉप सिर्फ बेचते ही नहीं है, जिन लोगों के अंदर प्रतिभा है उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के अंदर भी वैसा कुछ है तो बाहर दिखाइए ताकि हम लोगों को आप लोगों तक पहुँचने का मौका मिले। बाकी बात आइए थोड़ा सा सर से, हम जो कुर्साकटा थाना प्रभारी है सर, एक मिनट, प्रज्ञा है, प्रज्ञा को पूर्णिया के लैपटॉप के दुकानदार ने आप लोगों के समक्ष सम्मानित किया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है, कलाकार जो भी हो या उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। मुख्यालय डीएसपी सर भी आए थे, इनके बारे में बताएं कि ऐसे ऐसे किया है, ये आगे अपना मिलेंगे डीएम मैडम से, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि इनका जो पेंटिंग है वो गिनीज वर्ल्ड बुक में
जाने लायक होगा तो भेजा जाएगा उसको। कुर्साकटा थाना के थाना प्रभारी हैं हमारे साथ अभिषेक जी। तमाम लोगों के बीच प्रज्ञा को सम्मानित किया गया। बाकी बात आप देख रहे थे खास खबरें बिहार को। धन्यवाद।